पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बेंगलुरु में विपक्ष की एकजुटता वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भयभीत सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता का विश्वास पूर्ण बहुमत से विजयी होगा। मोदी का भय इतना है विपक्ष को कि नदी की तेज धार में जैसे सभी पेड़ में चढ़ जाते हैं और एक दूसरे की शत्रुता भूल जाते हैं। आज वही स्थिति बनी हुई है और ये सब मिल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि एक बार और दो बार नहीं, तीसरी बार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ऊपर सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। विपक्ष आक्रामकता के साथ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरकार ने विश्वास खो दिया जनता का। ये सरकार ने व्यापक भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार ये 5 साल तक प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार शराब घोटाला से लेकर रेप घोटाला, जिस प्रकार बड़े बड़े घोटाले करने के बाद ये सरकार बैठी है, ईडी ने 13,000 पेज का टोटल डिटेल सहित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। अब इतना होने के बाद भी सरकार की निर्दयता है कि सरकार में बैठे रहे। ईडी की रिपोर्ट आने के बाद, कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है।